पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुनील जाखड़ जी ने। सो मेरे वीरो, मैं बेनती कर रहा सी कि कांग्रेस पार्टी कोई आम पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी देश की आजादी के अंदोलन विचों निकली हुई पार्टी है। जदों भी कोई देश दे विच वड्डा अंदोलन होया, जदों भी देश दे उत्ते कोई संकट का समा आया, तो सब तो पहला कांग्रेस पार्टी ने अगवाई दिती है। ते अज भी मैं दावे नाल कह सकदा कि जदों किसानां दे उत्ते भारी संकट का समा, उस समय भी तुहाडे कोल तुहाडे मोढ़े नाल मोढ़ा ला के कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। अज राहुल गांधी जी थोड़ा दुख जानण दे लई, थोड़ा दर्द जानण दे लई, थोड़े मसलियां नूं समझण दे लई इत्थे पहुंचे ने। और मैनू पूरी आस है कि राहुल गांधी जी का इत्थे आउणा केंद्र दी सरकार नूं एक बहुत वड्डी चेतावनी होएगी। मेरे वीरो, ये किसान जिहड़ा उह साडे देश दा अन्नदाता, इहने हमेशा देश दा ढिड्ड भरिया। जिवें कहा कि सड़कां तों छलियां खरीद की खबर होऊ, मेरे किसाना जन्ना किहदे कोल सबर होऊ। मेरे वीरो, ये जिहड़ियां छलियां सड़क तो खड़ के बंदे खरीदते ने ना, उन्हां नूं नहीं पता हुंदा कि इहदे पिछे किन्नी खून पसीने की कमाई है, किन्नी सख्त मेहनत है, और किवें सबर दे नाल अपनी फसल पालदा किसान। और जदों जवान हुंदी है ना फसल, तां किसान खुश हुंदा, उहदे अंदर एक खुशी का इजहार आउंदा। ते मेरे वीरो, जदों इहो जे अंबानी और अडानी नरेंद्र मोदी दे जिहड़े दोस्त ने, जदों ओह साडियां फसलां दे उत्ते अख रखदे ने और सानू लुटना चाहुंदे ने, तां फिर रोस जागदा, रोस जागदा। अज रोस जाग चुकिया, अज लोक लहर बन चुकी है, अज लोकां दा अंदोलन बन चुकिया। सो मैं ज़्यादा समा ना लैंदा होया इत्थे ही अपनी गल नूं खत्म करदा, और श्री राहुल गांधी जी नूं अज इस महान धरती ते आउण ते अपने वालों हार्दिक जीआं कहिंदा, और केंद्र दी सरकार नूं चेतावनी दिंदे आ कि कांग्रेस पार्टी किसानां नाल खड़ी है, थोड़े नाल खड़ी है, और हमेशा थोड़े नाल खड़ी रहूगी, थोड़े ते कोई आंच नहीं आउण दित्ती जाऊगी। मेरे वीरो, ये लड़ाई जिहड़ी आ असीं फैसला कुल लड़ाई लड़ांगे, निर्णायक लड़ाई लड़ांगे, और उदों तक अपने घरां दे विच नहीं बैठांगे जदों तक ये काले कानून वापस नहीं लाए जांदे। बहुत बहुत धन्नवाद डॉक्टर अमर सिंह जी, साडे बहुत ही सत्कारयोग मैंबर पार्लीमेंट, जिन्हां दी अगवाई दे विच अज बहुत वड्डा ठाठा मारदा ये किसानां दा कट होया, और जिन्हें साबित कर दिता कि अज लोग जिहड़े ने ओह नरेंद्र मोदी दी सरकार दे विरुद्ध डट के खड़े हो चुके ने। बहुत बहुत थोड़ा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्नवाद गुरकीरत सिंह जी। मैं सब तो पहला इस हल्के का मैंबर पार्लीमेंट होने के नाते श्री राहुल गांधी जिहड़े साडे लीडर ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दे, उन्हां दा मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दा, साडे जनरल सैकटरी हरीश रावत जी, साडे जनरल सैकटरी ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस दे के सी वेणुगोपाल जी, और सुनील जाखड़ जी आए हुए आ, नवजोत सिद्धू जी आए हुए आ, और बहुत सारे MLA और दूसरे लोग आए हुए आ। मैं ज्यादा टाइम ना लवां ना लैण च। राहुल जी, ये लोग, राहुल जी, ये 5 घंटे से फतेहगढ़ साहब हलके के लोग आपका वेट कर रहे हैं। 5 घंटे तो आप बैठे आ, बहुत गर्मी आ, ये तुहानू सुन लई आए आ क्योंकि तुसी वो लड़ाई कर रहे हो। ये मोदी जो कुछ कर रहे ने, जिहड़ी मोदी दी सरकार कर रही आ, जिहड़ा उन्होंने फैसला ले रहा कि असी किसानी नूं खत्म करना, इन्हां दी जमीन ते कब्जे कंपनियां दे करा देने आ, इन्हां दी जिहड़ी सरकारी खरीद ओह बंद कर देनी आ पहलां कट करके। सर, ये तुहानू सुनना आया, तुहाडे मूँह आवाज़
सुन आए हैं कि नहीं तुसी लड़ाई लड़ोगे और इन्हां नूं वो लड़ाई जित के दोगे। इस करके 5 घंटे दे सर बैठे आ सारा जिहड़ी जगह आपां जटपुरा बैठे आ इत्थे साडे दशवें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी 21 दिन रहे आ कैप्टन साहब इत्थे 21 दिन रहे आ जिहड़े कहिंदे आ काई दा बूटा पट के कहा सी के मुगल सरकार दा अंत होऊगा। असी तुहाडे मूहों अज राहुल जी यह सुनना चाहते हो कि तुसी तुहाडी लीडरशिप च मोदी दी सरकार दा अंत होऊगा। सर मैं बहुता टाइम ना लेंदा होया मैं सब तो पहला साडे वित्त मंत्री मनप्रीत बादल जी नूं मैं बेनती करना चाहना कि मैनू हुक्म होया कि उन्होंने 2 मिनट का समा जरूर दियो। मनप्रीत बादल जी पंजाब दी गैरतमंद धरती दे गैरतमंद बेटे ते बेटियो मेरे हमवतनों और साडी ये खुशनसीबी है कि अज साडे दरमियान हिंदुस्तानियां दे दिलां दी तर्जुमानी करन वाले कांग्रेस पार्टी दे लीडर राहुल गांधी साहब पंजाब दे रूहे रवां सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दे पंजाब दे इंचार्ज हरीश रावत साहब सुनील जाखड़ जी और अज साडे दरमियान नवजोत सिद्धू साहब जदों बोलते हैं तो एक जादू जिहा हो जाता है लोगों ते भी हो जाता है मेरे ते भी हो जाता है और मैं माफ़ी चाहवांगा मेरे अज कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर वेणुगोपाल साहब वो भी हाजिर है मेरे साथी MLA ते मंत्री साहबान राहुल जी राहुल साहब परसों शाम को इस वक्त भारत की सीमा से हवलदार करनैल सिंह की लाश इस पंजाब में आई थी। एक दिन पहले एक और हवलदार की लाश जो शहीद हुए वो भी आई और अगर मेरी अकल मैनू धोखा नहीं दे रही तो इस साल दे विच 54 फौजी पंजाब दे शहीद होके हिंदुस्तान ते 54 फौजी शहीद होके उन्हां दियां लाशां किसानां दे घरां चाहिए और जिहड़ी 2.5 लाख फौज लद्दाख की सीमा ते बैठी है उन्हां नूं जाके पुछ लो अक्सरियत फौज जो है वो भारत दे किसानां दे बच्चे है जिहड़े बच्चे भारत की सीमा की रक्षा करते हैं जिन्हां दे बुजुर्ग हिंदुस्तान लई अनाज पैदा करते हैं। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇ ਉਨਕੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਫਸਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਅੱਜ ਚੀਖ ਚੀਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ कि जेड़ा कानून मोदी साहब लेके आए है वो कानून पंजाब नू ते हिंदुस्तान दे जेड़े होर किसान है उन्हां नू गुलामी दियां जंजीरां च पा दूंगा। पंजाब दे किसान ने अपने जेवर बेचते अपने जानवर बेचते हुण पंजाब दे किसान कोले कल्ले बच्चे बचे है। दसो मोदी जी बच्चियां दे खरीददार हो
पंजाब की किसानी की अज हालत करती है। प्याज के रेट जे 5 रुपए वध जाण तां कैबिनेट की मीटिंग हुंदी है, ते जे टमाटर किसान का 2 रुपए ते आलू 2 रुपए ते चला जांदा है तां उहनूं पुछण वाला कोई नहीं। अडानी अंबानी दे 6.5 लाख करोड़ के कर्जे माफ हो गए हैं, कॉरपोरेट टैक्स 1.5 लाख करोड़ माफ करता है, पर मोदी जी ने किसान का कर्जा माफी उन्होंने गुवारा नहीं पहुंची। मोदी जी कौमां दे मिजाज हुंदे है, कई कौमां हुंदियां जेड़ियां हार नहीं मनदियां। राहुल साहब, ये जो पंजाब की धरती है इसको वर मिला कि कभी बेइंसाफी कबूल नहीं करते। राहुल साहब, कभी आपने सोचा है कि ये जो मोदी का जादू है ये सारे हिंदुस्तान पे चल सकता है, पंजाब में नहीं चल सकता? क्योंकि इस धरती को वर मिला है बेइंसाफी, चाहे किसान की हो, मजदूर की हो, मजलूम की हो, इनको कबूल नहीं है। टाइम की कमी है, मैं आपको पंजाब की धरती पे स्वागत करता हूं और एक शेर अर्ज करूंगा कि फलक को जहां जिद है, फलक आसमान को कहते हैं, फलक को जहां जिद है बिजलियां गिराने की, हमें ये आदत है वही आशियाना बनाने की। इत्थे ही आलना पावांगे जिथे मोदी जी बिजलियां डिगनियां चाहते हैं। एक बार फिर सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी साहब का, वेणुगोपाल साहब का स्वागत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मनप्रीत जी। मैं हूँ पंजाब दे मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं बेनती करदा, जिहड़े 5 जून नूं ऑर्डिनेंस होण तो बाद 6 जून तो ही यह कहता सी कि यह किसानां दा नुकसान है और उदण तो लड़ाई लड़ रहे, मैं उन्हां नूं बेनती करदा। राहुल गांधी जी, साढ़े PCC के प्रधान साहब सुनील जाखड़ जी, साढ़े जनरल सैकटरी साहब हरीश रावत जी, दिल्लियों आए होर साढ़े मुखी सज्जन, और इत्थे दे मेरे MP साहिबान, MLA साहिबान, मंत्री साहिबान, और अज विराजमान उरे इस वड्डी पंडाल दे विच सुशोभित मेरे वीरों ते भैणों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुसी बड़ी देर तो बैठे हो, असी भी बड़ी दूरों चले हैं, लेकिन मैं धन्यवादी हाँ थोड़ा कि तुसी इंतजार कीता साड़ा, ताकि असी साढ़े राहुल गांधी जी दा तुसी स्वागत कर सके हो पंजाब दी धरती ते। और वो आए ने इसलिए साढ़े नाल इस औखी घड़ी खड़न लई। सब कुछ थोनू पता है कि की सेंटर दी हुकूमत की कर रही है, थोनू पता है कि साढ़े खेतीबाड़ी नू किस तरीके नाल कुचल रही है अपने कानून वगैरह बना के, और कानून होए जे जेड़ी के साड़ी किसानी जेड़ी के जी कड़क दी धुप दे विच या ठंड दे विच अपनी हिम्मत नाल फसल लाउंदी है, उहदा उहनूं इह भी नहीं पता अज कि इहदे चों मैं कमाऊंगा की, अपने बच्चों नूं टब्बर कैसे पालूंगा कैसे। शायद इहनां नूं इह नहीं पता कि 70% किसान 5 किले दे घट दे मालिक ने, और उहदे अद्धा 2.5 किले पहुंच उन्होंने कोल है, और यही ये उन्होंने को गुंजैश सी जिदे नाल अपने टबरां नूं पालदे सी। ये उही लोग ने जिन्हां नूं सानू कर्जा माफ वास्ते 5000 करोड़ रुपया देना पिया कि कुछ मदद तां उन्हां दी करिए, कि अपने अपने कर्जे जिथे उन्होंने चढ़े हुए ने कुछ कुछ ना कुछ तां उन्होंने देईए। ये उही ने पंजाबी
जिन्होंने घर घर नौकरी पांच बार असी कर चुके हैं और हुण कल नूं परसों नूं फिर असी कर रहे हैं, जिथे कई लख बंदियां नूं असी नौकरी दवा चुके हैं। तक मैनूं ये नहीं समझ आउंदी कि ये जिहड़ा बीजेपी की हकूमत है, इन्हां नूं कोई समझ नहीं कि की हो रहा कि खेतीबाड़ी च उन्हां दे अपने अपने सूबयां दे विच कोई किसान नहीं है क्या, जिस तरीके नाल साडा इत्थे हाल बना रहे ने। पहला तो तुसीं अपने किसानी का और आड़तियां का रिश्ता तोड़ दिओ, जिथे पहला सैकड़े साल तो चल रहा साड़ी जिहड़ी ये खरीद हो रही है, सिर्फ 60 साल होए ने जब तो ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा आया सी। पहला तो कणक एडिया एडिया होंदियां सी, बिच चले जांदे सी, तुहानूं देख दे बजुर्ग तो याद करनी, मैनूं याद है एनी एनी कणक हुंदी सी। फिर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने मैक्सीकन कणक लिया है, तुहानूं याद नहीं वो लाल कणक होंदी सी PV18 एक लर्मा रोज, उहदे तो घट घुट के इन्होंने उहे जी कणक बनाईआं जो अज बिकदियां ने मार्केट च। यही झोने वास्ते फिलीपींस तो लैके आए IR8, नहीं याद थोनू IR8 नूं घट के उन्होंने कोर नवी वरायटियां बनाईआं जो अज असीं अज देखो। मैं नहीं असीं मैं ते राहुल जी आ रहे से असीं उनी गड्डी दे विच, इहो जी वधिया फसल मैं पहला नहीं देखी। और जदों फसल हो जाए फिर बीजेपी कह दी असीं खरीद नहीं करांगे जी, फिर कौन करूगा खरीद, की होगा किसानां दा, ऐतक दे देंगे, क्योंकि इत्थे रौला पै रहा सारे हिंदुस्तान किसान उठे हुए ने। लेकिन कानून बनाता तुसीं और कानून कदे ना कदे लागू हो, अगले साल हो जू, उस तो अगले साल हो जू, फिर होगा कि मेरे किसानी का भुल गए कि किसान ने छोटा जा पंजाब है साडा, 2% धरती है साडी और असी पूरे हिंदुस्तान नूं 40% उन्हां दा अन्न दा भंडार भरदे हैं, भुल गए। जदों उत्थे जाके बाहर भीख मंगनी पैंदी सी रोटी लैण वास्ते। मैनूं कदे नहीं समझ आउंदी कि ये लोग जिहड़े अपने हुक्मरान उत्थे बैठे ने कदे सोचिया तां तुसीं करो कि की हो रहा इत्थे और की होएगा साडे पंजाब और हिंदुस्तान दे विच, कित्थों आऊगी रोटी। हुण भज्जे फिरदे ने, आओ जी साडे नाल गल करो, की करोगे थोड़े सवाह गल करोगे तुसीं उहनां नाल। और मैनूं हैरानी इस गल दी हो रहा है कि जिहड़े अपनी आप नूं हुकूमत अपने पार्टियां अपने आप नूं कहदियां ने कि असी पंजाब दी किसानी तो ताकत लैने आ, उन्होंने की किया इतकी इस श्रोमणी अकाली दल, क्या किया उन्होंने दसो मैनू, किया उन्होंने उही जो गद्दार करते हैं कि जदों मैं ऑल पार्टी मीटिंग सदी उहदे विच कहिंदे असी नहीं तुहाडे नाल सहमत, फिर असी असैंबली दे विच सारिआं नूं सद्दिआ, इन्होंने बॉयकॉट कर दित्ती। फिर पार्लीमेंट के उत्थे सेंट दिल्ली दे विच जदों उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, उत्थे वो बीबी बैठी सी उत्थे हरसिमरत कौर जी ने उन्हें हाँ दे हाँ बनाई, पता नहीं तुहानूं तो इत्थे बाके बाहर झूठ बोलदे ने, असीं कुछ नहीं किया जी, अस तुहाडे नाल है नाल, इसलिए हो क्योंकि हुण किसानी ने कहता कि बढ़ के देखो साडे पिंडां दे विच, असीं तुहानूं दसदे हां कि इत्थे हाल है तुहाडा, यही इन्हां नूं तरीका आउंदा है। और सुखबीर कहिंदा है जदों बीबी ने अपना अस्तीफा दिता सी कि जी बड़ा एटम बंब चल गया, कि पटाके होंदे दिवाली च उस किस्म का बंब चलिया होना, इस किस्म दी गल्लां चलदियां, की पटाके की बंब चल गया। कुर्बानियां तां तुसीं पुछो मैनू, ननकाणा साहब दी सी कुंजियां दा मोर्चा, उह सी कुर्बानी, गुरु का बाग का मोर्चा कुर्बानी सी, जैतो दा मोर्चा थोड़े नेड़े ही है इत्थे कुर्बानी सी। मेरा ख्याल किते जंग नहीं हिंदुस्तान या हिंदुस्तान तो बाहर जिथे साडे पंजाबियों का खून नहीं डुलिया, वो कुर्बानी है। थोनू हुणी मनप्रीत जी दस के गए ने, हर तीजे दिन साडा कोई पंजाब का जवान शहीद हुंदा उत्थे कश्मीर च या उत्थे चीन दे विच, रोज तुसीं आपां सुणदे आपां सब कुछ देखदे हैं और फिर इन्हां नूं कुछ नहीं पता। तो इत्थे थोनू हुण मन बनाउणा पऊ, ये ठीक है अकालिया नूं नहीं आपां बढ़न देना, है कई पिंडां ने कहता कि साडे बढ़ के देखो बीजेपी वाले अकाली, ठीक है, लेकिन लड़ाई इत्थे नहीं मुकनी साडी,
इन्हां नूं तां निपट लांगे असीं। साडी लड़ाई है मोदी सरकार दी सरकार उन्हां दी सरकार दे नाल, उत्थे साडी लड़ाई है पार्लीमेंट दे विच। ते मैं बेनती कीती है राहुल जी नूं कि वाहिगुरु करे प्रधानमंत्री बणनगे साडे, कि पहला काम करना कि तुसीं कानून लियाओ और रद्द कर दिओ इस नूं जिहड़ा इन्हां ने उत्थे कीता है। और मैं तुहानूं इक वादा करदा, जदों ताईं साडी सरकार है जो सानू कड़े कदम चकने पैण, जो कानूनी कदम चकने पैण हर पक्षों, असीं अपनी किसानी वास्ते खड़े हैं। और मैं चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पवे मैनू, चाहे विधानसभा बुलाउणी पवे, जो भी साडे कानूनी जिहड़े टोली साडी देख रही है चीज़ां नूं, जद ताईं उह सानू दसणगे कि की करना है, जो कहणगे करांगे। पंजाब दे किसानी नाल खड़ांगे, अपने सूबे नाल खड़ांगे। और ये आए ने दूरों, कल उत्तर प्रदेश के भी थी हसरत विच, जिथे उस बीबी का उत्थे उन्हां नाल जिहड़ा जुल्म किया उन्होंने, उतों रात 12:30 बजे आए और सवेरे ही इत्थे तुरे आए, क्योंकि इन्हां नूं पंजाब दे नाल प्यार है, किसानी नाल प्यार है। और मैं थोड़ा धन्नवादी हाँ राहुल जी, जो तुसीं अज लेट पहुँचने के बावजूद रात तुसीं सवेरे ही चल के इत्थे आयो, पंजाबियों दे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के खड़े हो। और वाहिगुरु करे तुसीं चढ़दी कला च रहो, तुसीं अपनी प्रधानमंत्री बनो साडे मुल्क दे, और फिर इन्हां बीजेपी वालियां नूं आपां उदों जा के सूत करिए। बहुत थोड़ा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। धन्नवाद कैप्टन साहब। मैं हुण आपां जिन्हां दा 12 बजे तो इंतजार कर रहे हैं श्री राहुल गांधी जी का, उन्होंने बेनती करूंगा कि वो ये जन समूह नूं इन्नी वड्डे इकट्ठ नूं, किसानां दे कांग्रेस वर्कर दे लीडर्स दे, इन्हां नूं संबोधन करन और दसन के कांग्रेस की की योजना और कांग्रेस किवें किसानां नाल खड़ी रहेगी। राहुल जी बेनती है। अमरिंदर सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी रावत जी, वेणुगोपाल जी, सुनील झाकड़ जी, सिद्धू जी, बादल जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे MLAs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीनियर नेता, हमारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप काफी देरी से यहां बैठे हैं, आपको थोड़ा कष्ट हुआ, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। छह साल से दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और 6 साल से यह सरकार हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, छोटे दुकानदारों पर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों पर आक्रमण कर रही है। आपको याद होगा, एक दिन 8 बजे रात को अचानक नरेंद्र मोदी जी टीवी पर आए, कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई है, 500 रुपए 1000 रुपए का नोट मैं रद्द कर रहा हूं, नोटबंदी कर दी। पूरे देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर बैंक के सामने खड़े हो गए। आपने अपना पैसा बैंक में डाला, लाइन में 1 अरबपति नहीं खड़ा था, लाइन में ना अदानी जी थे ना अंबानी जी थे, लाइन में सिर्फ गरीब जनता थी,
किसान थे, मजदूर थे, छोटे दुकानदार थे, आपने अपना पैसा बैंक में डाला और आपके पैसे से नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया। काला धन खत्म नहीं हुआ, मगर लाखों करोड़ रुपए आपके जेब में से उनके जेब में गए। उसके बाद 12 बजे रात को नरेंद्र मोदी कहते हैं क्रांतिकारी कानून आ रहा है, जीएसटी लागू होगी। किसको फायदा मिला? हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को फायदा मिला। किसी भी दुकानदार के पास चले जाइए, किसी भी छोटे बिजनेस वाले के पास चले जाइए, उससे पूछिए, आपको बताएगा आज तक हमें जीएसटी भरनी नहीं आती, हमें यह नहीं समझ आया कितने टैक्स हैं, कौन से फॉर्म भरने हैं। लाखों छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस बंद हो गए। उसके बाद कोरोना, आपने टीवी पे देखा लाखों मजदूर हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, पीने का पानी नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, मगर चलते जा रहे हैं। हमने एक बार नहीं, अनेक बार नरेंद्र मोदी जी से कहा इनकी मदद कीजिए, इनके बैंक में पैसा डालिए, छोटे दुकानदारों की मदद कीजिए, मिडिल साइज स्मॉल इंडस्ट्री की मदद कीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं किया और फिर एकदम सबसे अमीर लोगों का टैक्स माफ किया और उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डाला, हजारों करोड़ रुपए। ये हो क्या रहा है? रोजगार छोटे बिजनेस वाले देते हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले देते हैं, भोजन किसान और मजदूर देता है, मगर हिंदुस्तान की सरकार पूरा का पूरा फायदा हिंदुस्तान के 10-15 सबसे बड़े उद्योगपतियों को देती है। 10-15 को छोड़िए, आजकल तो सिर्फ दो हैं, आजकल 10-15 भी नहीं है, आजकल सिर्फ दो हैं, अदानी और अंबानी। नरेंद्र मोदी की वो मदद करते हैं, टीवी पे उनको उनका चेहरा दिखाते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए रास्ता साफ करते हैं। किसी ने कहा पिछली मीटिंग में, कहा नरेंद्र मोदी की सरकार, ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये अंबानी और अदानी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी इनके लिए काम करते हैं, ये ऑर्डर देते हैं, नरेंद्र मोदी करते हैं। और अब कोरोना के समय जब किसान सबसे मुश्किल दौर से निकल रहा है, किसी का भाई बीमार, किसी के माता पिता बीमार, नरेंद्र मोदी कहते हैं अब हम किसानों को खत्म करने के 3 नए कानून लाएंगे। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, एमएसपी के बिना किसान, पंजाब का किसान जी सकता है क्या? जिंदा रह सकता है? पूरा देश जानता है कि एमएसपी के बिना पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, हिंदुस्तान का किसान बच नहीं सकता। मोदी जी कहते हैं मंडी की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि सिस्टम में कमियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज के सिस्टम में कमी नहीं है, मगर सिस्टम को नष्ट नहीं करा जा सकता है। अगर आप सिस्टम को नष्ट कर देंगे, किसान के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। सिस्टम को आपने बदलना है तो बदलिए,
और मंडियां बनानी है तो बनाइए, आपको 10 किलोमीटर में मंडी डालनी है डालिए, मगर किसान के पास ऑप्शन होना चाहिए, किसान के पास चॉइस होनी चाहिए। आज हम ट्रैक्टर में चले, उसी सड़क पे किसान मंडी तक जाते हैं, वो सड़क किसने बनाई? क्या वो सड़क अदानी ने बनाई, अंबानी ने बनाई? नहीं, वो सड़क मंडी के टैक्स पैसे से बनी है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं किसान अपना माल कहीं भी बेच देगा, मंडी खत्म हो जाएगी, सड़क खत्म हो जाएगी, सड़क खत्म हो जाएगी तो किसान कैसे बेचेगा? क्या हवाई जहाज से जाके बेचेगा? तो आपके ऊपर आक्रमण है। अमरिंदर सिंह जी ने अपने भाषण में कहा, कौन सी कुर्बानी पंजाब के लोगों ने हिंदुस्तान के लिए नहीं दी? हर युद्ध में आप खड़े रहे, आपने देश को भोजन दिया, फूड सिक्योरिटी दी, हरी क्रांति दी, आप देश की रीढ़ की हड्डी हो। नरेंद्र मोदी इस रीढ़ की हड्डी को क्यों तोड़ रहे हैं? दो तीन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए क्यों तोड़ रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, यह कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। यह जो ढांचा है कांग्रेस पार्टी ने बनाया, चाहे एमएसपी हो, चाहे फूड सिक्योरिटी बिल हो, मनरेगा हो, यह पूरा का पूरा ढांचा हमने आपके लिए बनाया है, आपकी रक्षा के लिए बनाया है, और हम इनको इस ढांचे को तोड़ने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि किसानों को फायदा होगा, तो अगर किसानों को फायदा होगा तो पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? पंजाब के किसान ने सड़कें क्यों बंद कर रखी हैं? पंजाब का किसान क्यों दुखी है? अगर किसानों को फायदा होता तो आपने पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन क्यों नहीं किया? आपने डिबेट क्यों नहीं होने दी? आपने हमें